Good morning to all. Welcome back to online class. Today we will learn factor 3. So first we will take a number to be factorized at the top. So here we will take 120. 120, choose any pair of factor as branches. इसके बाद हम ऐसा पेयर लेंगे इसका जिसके 120 के फैक्टर हम कह सके. इस तरफ हम छोटा नंबर लेंगे और इस तरफ हम इसका बड़ा नंबर लेंगे जो मल्टीप्लाई करके 120 आए. सो हियर यू हैव टू राइट 60. सो अगर आप 2 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 120 आएगा. हियर यू हैव टू राइट 2 एज इट इज और 160 को आप दो फैक्टर में ब्रेक करोगे. 2 स्मॉल नंबर इस तरफ और लार्जेस्ट नंबर इस तरफ. अब 2 को आप ऐसा नंबर लोगे जो मल्टीप्लाई करने पे 60 आए. तो 2 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे 230 जा 60. सो यू हैव टू राइट 2 एज इट इज 2 एज इट इज. और अब यहाँ पे आप 30 को दो पार्ट में डिवाइड करोगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 15. हियर यू हैव टू राइट एज इट इज और 15 को आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 5. 3 5 जा 15. सो देयर फोर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 120 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5. ओके. नाउ वी विल लर्न हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इट मीन्स HCF. The highest common factor HCF of 2 or more number is the greatest of the common factor. HCF का मतलब होता है आपको जब आपने factor लिए उसमें आपका जो सबसे बड़ा common number होगा उसे हम HCF कहते हैं. You can find the HCF of 2 or more numbers by different methods. So first we will take this method by listing factor. First, we will take two numbers 12 and 40. Factor of 12 is equals to 1, 2, 3, 4, 6 and 12. ये सभी नंबर 12 से डिवाइड हो जाते हैं. नेक्स्ट फैक्टर ऑफ 40 इज इक्वल्स टू 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 and 40. सो द कॉमन फैक्टर्स आर कॉमन फैक्टर्स 1, 2 and 4. कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं इसमें? एक तो जो दोनों के फैक्टर हैं 12 के भी और 14 के भी. तो एक है आपका 1, 2 and 4. नेक्स्ट मेथड इज बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. फर्स्ट वी विल टेक टू नंबर्स 20 and 28. फर्स्ट वी विल टेक 20 को हम ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे जो प्राइम नंबर होंगे. तो सबसे पहला प्राइम नंबर होता है 2. 2 से डिवाइड हो जाएगा 20, इसलिए हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे. 2 10 जा 20. नेक्स्ट अभी 10 2 से डिवाइड हो जाएगा तो आप फिर से 2 से डिवाइड करोगे. 2 5 जा 10. अभी 2 से डिवाइड नहीं होता है तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से भी नहीं डिवाइड होता है तो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5.
तो इसे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 5। नेक्स्ट नंबर इज 28, 28 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 2 4 8। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 17 अभी 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 7 14। अभी 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब आप इसको सीधे 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 7। अभी इसके फैक्टर, पहले 20 के फैक्टर लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। 28 के लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 7। सो हियर वी हैव कॉमन फैक्टर 2 एंड 2। सो SCF ऑफ 20 एंड 28 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। ये दो नंबर को हम सिर्फ एक बार लिखेंगे, इस 2 का एक पेयर है उसको हम यहाँ पर सिर्फ एक बार लिखेंगे और इस पेयर को एक बार लिखेंगे, 2 2 जा 4। सो SCF ऑफ 20 एंड 28 इज 4। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।